Hello students, good morning. Today I am going to teach you exercise 10. यानी आज हम exercise 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो शेप थी शेप के बारे में अच्छे से समझाया था कि कौन सी शेप है, इसका नेम क्या होगा और इसमें फेस वर्टिक्स और जो एज है वो कितनी होती है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाई थी। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हम फर्स्ट से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो को लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम ईच ऑफ देम। यानी आपको क्या करना है, जो पिक्चर दी गई है इनको देखना है और इनके जो नेम है वो आपको राइट करना है। तो आपने पहले जो भी वीडियो बनाया था मैंने उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से इनके बारे में बताया था। तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जो शेप दिख रही है आपको पता की है शेप कौन सी है। ये जो शेप है आपकी ये है कॉन। सेकेंड जो शेप है वो आपकी बॉल, तो बॉल वाली जो शेप थी उसको बोला जाता है स्फीयर। इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था जो पाइप का टुकड़ा होता है या कोई भी जो बॉक्स होता है बॉल, जो भी आपके किचन वगैरह में जो भी होता है जो मसाले वगैरह डालने के लिए जो गोल बॉक्स होता है वो होता है आपका सिलेंडर। इसके बाद में आपको दिया गया है जो बॉक्स होता है, बॉक्स एक तो होता है इस प्रकार से लंबी साइज का, एक होता है जो चारों तरफ से उसकी साइड होती है जो फेस होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, वो होता है आपका स्क्वायर। और इस प्रकार का जो शेप दिखाई देती है ये होती है आपकी क्यूबॉइड, सॉरी ये आपका क्यूब होगा, ये होगा आपका क्यूबॉइड। तो ये थी शेप जिनके नेम आपको राइट करने थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, थिंक एंड राइट। आपको क्या करना है, सोचना है और आपको राइट करना है। नेम ऑफ एनी टू स्पेरिकल फ्रूट्स, यानी आपको टू नेम राइट करने स्पेरिकल फ्रूट्स। अब स्पेयर मैंने आपको बताया था जो आपकी बॉल होती है, तो बॉल के जैसे कोई भी फ्रूट्स होते हैं उनके आपको नेम राइट करने हैं। तो आपको फ्रूट्स के बारे में तो पता है कुछ, किसी भी आप टू फ्रूट्स के नेम आप राइट कर सकते हो, जैसे ऑरेंज है या इसको डीला हो जाएगा आपका, सॉरी सपो डीला हो जाएगा, इसके बाद में दिया गया आपको नेम ऑफ टू सॉलिड शेप मेड ऑफ फेस रेडिश। यानी आपको टू सॉलिड शेप के नेम राइट करने जो किससे बनी हुई रहेगी आपकी फेस जो रेडिश होती है मूली होती है उससे आपको दो शेप बनानी है, उसकी जो साइज जो शेप होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है जिसके अंदर आप यहां से कट करके ये जो शेप होगी या हो जाएगी आपकी सिलेंडर। और यहां से कट करोगे तो ये वाली जो शेप होगी वो होगी आपकी कॉन। या आप जो शेप बनती है सॉलिड उससे काट के आप बना सकते हो, आप उसके नेम राइट कर सकते हो। यहाँ पे नेम ऑफ एनी टू सिलेंड्रिकल शेप यूज इन किचन, यानी किचन के अंदर यूज होने वाले टू सिलेंड्रिकल शेप के नेम राइट करने आपको, एक होगा आपका स्पाइस बॉक्स जो मसाला डालने का जो बॉक्स होता है गोल, एक हो जाएगा आपका जो सिलेंडर होता है आपका गैस सिलेंडर, तो और कोई अगर नेम आपको पता तो वो भी आप इसमें राइट कर सकते हो। इसके बाद में आपका नेम एनी टू क्यूबिकल ऑब्जेक्ट विच यू कीप इन ओवर स्कूल बैग, यानी आपको टू क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के नेम राइट करने जो आप अपनी स्कूल के बैग के अंदर रखते हो। स्कूल के बैग के अंदर आपका एक तो होता है ज्योमेट्री बॉक्स और एक होता है आपका इरेजर,
ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, से ट्रू और फॉल्स, यानी आपको ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है। ए क्यूब एंड क्यूबर्ड हैव सिक्स फेस। मैंने आपको बताया था क्यूब और क्यूबर्ड होता है उसमें सेम होता है फेस वर्टिक्स और जो एज उसमें दी रहती है इसमें होते हैं आपके सिक्स फेस होते हैं, तो ये आपका ट्रू है। आर द एज ऑफ ए क्यूबर्ड आर इक्वल, यानी क्यूब के अंदर आपकी आर जो एज होती है जो लाइन होती है वो सेम होती है, क्यूबर्ड के अंदर आपकी सेम नहीं होती है, तो ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा। इसके बाद में थर्ड है, इफ द स्लाइड ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉक्स इज रिमूव द बॉक्स इज लेफ्ट विथ ए सर्कुलर फेस एंड ए सिलेंड्रिकल फेस। यानी अगर हम जो सिलेंड्रिकल जो बॉक्स होता है उसका जो ढक्कन है अगर वो हटा देंगे तो ढक्कन तो क्या होगा सर्कुलर ही होगा, और जो बचेगा आपका जो बीच वाला जो फेस है वो किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ से ढक्कन हटा देंगे तो ढक्कन तो क्या होगा सर्कुलर, और जो बाकी का जो फेस होगा वो कैसा होगा आपका सिलेंड्रिकल। तो इसमें दिया गया है इफ द लेफ्ट विथ ए सर्कुलर फेस एंड ए सिलेंड्रिकल फेस, ये होगा ट्रू होगा। इसके बाद में बोथ द बेस ऑफ ए कॉन आर सर्कुलर, यानी जो बेस होता है बोथ यानी दोनों बेस यानी जो उसका आधार होता है ऑफ ए कॉन, अब कॉन कैसा होता है कॉन तो इस प्रकार से होता है इसमें जो बेस होगा ये तो वन ही होता है बेस इसके अंदर, और ये बोल रहा है कि आर इक्वल सॉरी द बेस ऑफ ए सर्कुलर आर कॉन आर सर्कुलर, तो ये जो सर्कुलर तो ये वाला होगा, ये वाला जो बेस है ये सर्कुलर कहाँ है ये तो आपका क्या देर का इसमें वर्टिक्स देर का, तो ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा। ए क्यूब कैन बी ऑब्टेन बाई कटिंग ए क्यूबॉइड थ्रू इट्स एज, यानी जो बड़ा क्यूबॉइड होता है इसको मैं ये जो इसकी कट करके आप इससे क्या बना सकते हो क्यूब बना सकते हो। बेंगल्स आर सर्कुलर इन शेप, जो बेंगल्स होती है जो चूड़िया होती है वो क्या होती है शेप के अंदर सर्कुलर होती है, तो सर्कुलर है ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन आपका फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फेस एज एंड वर्टिक्स ऑफ द क्यूबॉइड गिवन बिलो, यानी आपको जो नीचे जो डायग्राम दिया गया है क्यूबॉइड का उसके अंदर आपको फेस वर्टिक्स और जो एज दी गई उनके आपको नेम राइट करने हैं। वर्टिक्स के नेम राइट करने हैं, फेसेस के नेम राइट करने हैं, और आपका हो जाएगा एज देर के उनका आपको नेम राइट करने हैं। तो सबसे पहले वर्टिक्स, वर्टिक्स क्या होता है आपका कॉर्नर होता है, कॉर्नर के लिए आपको क्या करना है जैसे यहाँ पे ये आगे का फेस जो दिखाई दे रहा है आपको ये आपका कौन सा दे रहा है पी क्यू आर एस, और जो पीछे की तरफ की जो दीवार है या जो पीछे का जो फेस है वो आपका जे के एल एम, यानी पीछे का जो बाघ है वो तो आपका जे के एल एम है, और जो आगे की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो आपका पी क्यू आर एस है, और जो कॉर्नर है वो कॉर्नर तो सब पे मैंने आपको जो वर्टिक्स है वर्टिक्स पे ऊपर मैंने आपको नेम राइट कर रखे हैं यहाँ पे जैसे पी क्यू आर एस जे के एल एम, तो आपको क्या करना है सभी नेम्स राइट करने पी क्यू आर एस जे के एल एम। अब आपको ये पता होना चाहिए जो वर्टिक्स है वो क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि फेस कितने होते हैं वर्टिक्स कितने होते हैं और एज कितने होते हैं, तो वर्टिक्स के लिए मैंने बोला था आपको जो वर्टिक्स होती है वो होती है आपकी 8, फेस होता है आपका 6, और जो एज होती है वो होती है आपकी 12, यानी आप नेम राइट करोगे तो आपके टोटल इतने होने चाहिए तभी आपका राइट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी 8 वर्टिक्स राइट है। अब जो फेस है फेस के नेम राइट करने आपको 6, तो फेस के लिए आपको क्या करना है ओनली वन नेम राइट नहीं होगा, फेस के लिए क्या होगा जैसे फेस बनता है तो आपका इस प्रकार से पूरा फेस होगा, तो फेस में आपके पूरे 4 नेम्स आपको राइट करने हैं, तो फोर नेम राइट करने के लिए जैसे आपको ये आगे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है तो एक तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस, इसके बाद में सेकंड जो साइड वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको जिसके अंदर आप आर एल क्यू या क्यू आर एल के कुछ भी राइट कर सकते हो, यानी ये वाला हो गया। अब इसके पीछे वाला भाग है जो आपका जे के एल एम है ये हो गया। अब इसका जो ये मतलब इस तरफ का देखना जैसे ये वाला जो देखा था आपने साइड वाला उस तरफ का जो साइड वाला देखा आपको एस एम जे पी
हो गया, यानी हमने चारों तरफ के जो फेस थे वो हमने राइट कर लिए, यानी 1 2 3 4 फेस दे चुके। अब बात करते हैं नीचे वाला जो फर्स्ट दे रखा है आपको, जिसमें जे पी क्यू के दे रखा है, नेम आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक जो ऊपर वाला जो भाग दिया गया ये आपको एस आर एल एम, ये हो गया आपके 6, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है इसके फेस दे रखे हैं, तो फेस के नेम आपने आपको इस प्रकार से राइट करना है। इसके बाद में दे रखा आपको एज, यानी 12 होनी चाहिए, तो 12 के लिए जो एज दे रखी है वो क्या होती है, लाइन होती है, यानी ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइनें आपको राइट करनी है। तो सबसे पहले पी से स्टार्ट करता हूँ, पी और क्यू है, पी और एस दे रखा है, क्यू और के दे रखा है, क्यू और आर दे रखा है, क्यू और पी दे रखा है, जो आपने पहले से यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद में कैसे स्टार्ट कर दे, के का क्या दे रखा है आपको, क्यू से तो 23 मतलब इसका तो 7 है, हमने लिख ही लिया यहाँ पे, और आपको क्यू और सॉरी के और एल आपको राइट करना है। के साथ आपका जे अटैच है, हो गया, यानी आपको ये देखना है कि जो वन वर्टिक्स है, जैसे ये मैंने आपको जो पी लिया है, पीछे कितने हैं आपके, 3 वर्टिक्स होती है, जैसे एक तो ये वाली लाइन हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो सभी से आपके 3 3 लाइन, एक से 3 लाइन अटैच है। तो आपको क्या करना है, 3 नेम होंगे, लेकिन आपको 3 नेम आपको राइट नहीं करने, टोटल आपको 2 2 नेम राइट करने, क्योंकि आपको जो 3 टाइम रेट, जैसे मैंने आपका पी क्यू और पी जे, फिर मैंने पी जे अभी राइट नहीं किया, आपको पी और जे आपको राइट करना है, ये वाला जैसे पी और जे से अटैच है, या लास्ट में बाद में जो पी से अपने अटैच कर लेंगे अभी, जैसे पी से मैंने किया पी क्यू और पी एस, क्यू से किया मैंने क्यू आर क्यू के, क्यू से किया मैंने सर कैसे किया के जे और के एन के एन। अब बात करते हैं एल की, तो एल से के हो गया, आर और एल, एल और एम, अब एम से करेंगे तो एम से होगा एस एम या एम एस, और एम और जे, आर से करेंगे तो आर से होगा आर एस, आर क्यू, आर क्यू ने राइट किया है क्या, ये रहा अपना क्यू आर, और बता क्या आपका जे पी। अब 12 आया कि नहीं हुआ, सबसे पहले आपको देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस प्रकार से आपको सभी लाइंस जो है उनको राइट करना है। तो ये था आपका एज फेस और वर्टिक्स, इस प्रकार से कोई भी डायग्राम आएगा तो उसके आपको फेस वर्टिक्स एज है इस प्रकार से आपको राइट करने हैं।